मुंबई की भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम यानी पीएमएलए कोर्ट ने नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड का आरोप है। आर्थिक अपराधी घोषित होने के बाद उसकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई अब तेजी से हो जाएगी। संपत्ति को जब्त करने का आदेश 10 जनवरी को जारी हो सकता है। नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और अब इसके बाद भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने के बाद नीरव की संपत्तियों को जब्त करने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो सकती है। तो पीएनबी बैंक फ्रॉड मामले में भगोड़े नीरव मोदी को अब आखिरकार पीएमएलए ने भगोड़ा घोषित करके उसकी संपत्तियों को जब्त करने की जो प्रोसेस है अब वो शुरू हो सकता है।